सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 23 जुलाई 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 7:58 हो रहे हैं. हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स में ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट है वो एक्सटेंड हो रहा है. जो भी सपोर्ट आ रहा है वहां पर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो भी ब्रेक करके आगे की तरफ टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है. तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स क्या हो सकते हैं जहाँ से हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? FIIs की तरफ से काफी बिकवाली देखने को मिल रही है, बाजार में थोड़ा प्रेशर बना हुआ है. तो आज क्या निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. यह एक पिक्चर है कल का, यानी 22 जुलाई 2019 आफ्टर मार्केट आर सी ए पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ पर ऊपर मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,441 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,399. ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी कल हमारा ब्रेकडाउन जो लेवल था उसी के पास एग्जैक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर ओपन हुआ, और जैसे टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 11,367 ये अचीव हुआ, और उसके बाद 11,332 सेकेंड टारगेट भी यहाँ पर अचीव हुआ. और पूरा दिन एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होते रहा. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो यहाँ पर अराउंड 45,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट की हालत क्विकली देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए. यूरोपियन बाजार भी देखे, लंदन मार्केट, जर्मन मार्केट और फ्रांस मार्केट तीनों भी हरे निशान में बंद हुए, लेकिन कुछ खासी बढ़त देखने को नहीं मिल रही है. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो जापानीज मार्केट निक्के 188 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, हांगकॉन्ग मार्केट 70 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, और चाइना मार्केट हल्की से बढ़त के साथ ये भी पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो 39 पॉइंट की बढ़त दिखाई दे रही है, और एसजीएक्स निफ्टी 13 पॉइंट के एक हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े से पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं, इतना नेगेटिव मूवमेंट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है. तो ये रिकवरी हो सकती है. निफ्टी में क्या सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं ये आइडेंटिफाई करेंगे. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. ये है निफ्टी का वीकली चार्ट. अभी यहाँ पर जो हमने ट्रेंड लाइन को ये ड्रॉ किया था ये ब्रेक हो चुका है, और 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है ये वीकली चार्ट में भी ब्रेक हो चुका है. तो अभी ये 20 EMA ऊपर या 11,525 के पास है, जो कि अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं. और इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पर ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है अराउंड 11,228 के पास है अभी ये, तो ये यहाँ पर सपोर्ट का काम कर सकते हैं. अभी इन मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है तो साइडवेज पैटर्न हमें एक दिखा सकता है. इस रेंज के बीच में यह ट्रेड हो सकता है. अगर ये 50 EMA को भी ब्रेक करता है तो लास्ट टाइम हम देख सकते हैं ये 50 EMA और 20 EMA के पास यहाँ पर पास्ट में इसने कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर बनाया था. काफी साइडवेज मार्केट था यहाँ पर. नीचे RSI भी देखे तो 50 के लेवल के पास यहाँ पर ये साइडवेज मूव दिखा रहा था. अभी फिर से RSI भी 50 के पास आ गया. तो क्या ये 50 और 20 के बीच में एक साइडवेज पैटर्न बनाएगा? क्या यहाँ पर अक्यूमुलेशन जोन बनता है? ये देखने वाली बात होगी. अभी 11,225 ये इमीडिएट सपोर्ट है एज पर वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं हम. तो यहाँ पर इन दो मूविंग एवरेजेस के बीच में ये ट्रेड हो सकता है इस वीक. काफी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं इस वीक में, और ये मंथली एक्सपायरी का भी वीक है. सो बी कॉशियस रहिए व्हाइल ट्रेडिंग. तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में कल हमने यहाँ पर 150 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ किया था. तो यहाँ पर इसने ये यहाँ पर फ्राइडे को एग्जैक्ट इसका सपोर्ट लेके बंद हुआ था. अभी इसका ये जो 150 EMA है ये भी ब्रेक कर दिया, और इसके नीचे कल इसने और एक बियरिश कैंडलस्टिक बनाया. तो अभी अगर इसे मैं 150 डेज का ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है
इसे मैं सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये सिंपल मूविंग एवरेज तो आप देख सकते हैं, अभी 150 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बाद सिंपल मूविंग एवरेज के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर। कल का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बन रहा है, ये स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक नहीं है। आप देख सकते हैं इसका हाई और लो का ये जो रेंज है, इसके हाफ पोर्शन में आके ये क्लोज हुआ है। यानी यहाँ पर बुल्स भी ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ से एक बाउंस बैक हो। ये जो प्रीवियस कैंडल था स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक, उसके कंपेयर में ये कैंडलस्टिक काफी छोटा है। और यहाँ पर फिर से एक बार इसने सपोर्ट टेस्ट किया। ये हैमर जैसा नहीं कहेंगे क्योंकि इसने हाई और लो का हाफ पोर्शन कवर किया है इसके बॉडी में। अगर हाफ से और कम पोर्शन अगर कवर कर देता तो ये हैमर कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, ये हम कह सकते थे। अभी और एक बात है, यहाँ पर एक स्विंग हाई लो हमें मिल गया है, तो आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करूँ और मैं यहाँ पर और कुछ लेवल्स को ऐड कर देता हूँ, 76.4 और 123.6, तो देख सकते हैं आप 76.4% का लिए जो लेवल है, ये भी कल 11,308 के पास आ रहा था। 11,300 के पास एक मेजर सपोर्ट है, जहां पर 150 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज भी आ रहा है और 76.4 का ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल भी आ रहा है। तो अभी 11,308 को अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 11,185 का। अभी मूविंग एवरेज 200 डेज का कहाँ पर आ रहा है ये भी देख लेते हैं। तो अगर 150 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज अगर ब्रेक करता है तो 200 डेज का ये जो मूविंग एवरेज है, ये अराउंड 11,127 के पास आ रहा है। तो ये अगर लेवल ब्रेक होता है 11,300, तो 11,185 11,100 के बीच में नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल होगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। तो अभी डाउन ट्रेंड फिलहाल यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है। अगर हम प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये जो बाद में ये लोअर हाइज और लोअर लो का अभी ये क्रिएट कर रहा है ये यहाँ पर, तो ये क्लियरली हमें लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न दिखा रहा है। जब भी डाउन ट्रेंड आता है तो उसका पैटर्न ये ऐसे ही होता है, ये यहाँ पर ऐसे। ये फ्रेशर्स को लगेगा ये क्या सिंपल एक ड्राइंग है, डाउन ट्रेंड तो ऐसे ही चलता है, लेकिन यही इसका बेसिक है, इसका रूट यही है। अगर ये पैटर्न को समझ ले तो इसमें ही हमें पता चलता है कि इसमें करेक्शन कहाँ पर है, रिकवरी कहाँ पर है, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर है। तो अभी ये जो जोन है, ये यहाँ पर ये जो जोन है, इसे हम डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। और फिर से ये जो बाउंस बैक आता है, ये जो बाउंस बैक आता है, ये रिकवरी है या फिर यहाँ से अब ट्रेंड शुरू हो रही है, ये हम इस ट्रेंड का ये जो फॉर्मेशन है उसके थ्रू पता लगा सकते हैं। तो ये जो रूट है टेक्निकल एनालिसिस का, ये जो बेस है, ये अगर आपने कंफर्म आपके दिमाग में बिठा दिया तो हर एक ट्रेंड का आप अच्छे से एनालिसिस करा सकते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स को भी आप आइडेंटिफाई करने में काफ़ी आपको इजी आसानी गिर सकती है। तो ये है फिलहाल डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आज के आइडेंटिफाई करते हैं। यह है 60 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट। आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कैंडल बना है फर्स्ट आर का, यहाँ पर एक फॉल आया था इस सुबह के सेशन में और उसके बाद ये कंसोलिडेट होते रहा, एक फ्लैट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ से सीधा यहाँ पर डाउनफॉल दिखाई दे रहा है और उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ये हाई और ये लो का ये जो रेंज बना है, ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमें आने वाले ट्रेंड के बारे में कंफर्मेशन मिल सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो सकता है क्योंकि 60 मिनट के चार्ट में हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अगर ये कल का लो यानी ये जो S1 का लेवल आ रहा है पिवट पॉइंट का, यहाँ पर ये 11,298 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, ब्रेक करता है इस लेवल को, तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा
11,274 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट हमारा होगा पिवट पॉइंट का S2 का लेवल जो कि 11,252 के पास है। और अगर ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो ये जो यहाँ पर ये साइडवेज पैटर्न का लेग दिखाई दिया था यानी 11,365 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,395, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा ये जो फ्राइडे का क्लोज था अराउंड 11,418 के पास, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आपके दोस्तों के साथ, इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।